Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का इस मानव संसाधन प्रबंधन के व्याख्यान संख्या 19 में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कर्मचारी प्रेरणा एवं मनोबल जिसको हम इम्प्लॉ मोटिवेशन और मोरल के नाम से जानते हैं तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से अर्थ से मुरैल का या मोटिवेशन का अर्थ क्या है प्रेरणा एक मकसद प्रदान करने का कार्य या प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को कुछ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक इंसान को एक मोटिव प्रोवाइड करता है एक कारण देता है जिसकी वजह से वो कार्य करने के लिए तैयार रहता है अधिकांश मामलों में प्रेरणा किसी आवश्यकता से आती है जो ऐसे व्यवहार की ओर ले जाती है जिसके प्रणाम स्वरूप आवश्यकता पूरी होने पर किसी प्रकार का पुरस्कार मिलता है तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एक मोटिव मिलता है एक कारण मिलता है जिसके प्रति आप प्रेरित होकर उस कार्य को करते हैं या फिर आप उस कार्य को करना पसंद करते हैं जहाँ आपको लगता है कि इस कार्य को करने के बाद आपको कुछ पुरस्कार मिलेगा या कुछ ऐसा आपको मिलेगा जिसकी आपकी नीड थी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफ़िल होने के लिए आप उस कार्य को करते हैं तो मोटिवेशन उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जिसमें आपको एक मोटिव दिया जाए मोटिवेशन इज़ वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस मोटिवेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक मानव संसाधन के व्यवहार में उसके काम में बहुत हद तक अंतर आता है इसीलिए जो संगठन है वो अपने इम्प्लॉयीज़ को समय समय पे मोटिवेट करती रहती हैं ताकि उनके कार्य में उनके व्यवहार में बढ़ोतरी हो और वो संगठन के प्रति बेहतर कार्य कर सकें मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज़ एम्प्लॉय का एक मनोबल बड़ा रहने के लिए उसको प्रेरणा मिलती रहे कि अपने कार्य को मुझे मोटिवेटेड फॉर्म में करना है तो वो कार्य में अपना प्रदर्शन जो है वो बेहतर तरीके से करता है इसके आगे अगर हम परिभाषा की बात करें मोटिवेशन के तो ये जो परिभाषा है वो रॉबर्ट डुबलिन ने दी है वो कहते हैं प्रेरणा किसी संगठन में किसी व्यक्ति को काम शुरू करने और बनाए रखने वाली शक्तियों का जटिल समूह है ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को उनके कार्य में बनाए रखने में मदद करता है अगर एक काम करने वाले कर्मचारी का मोटिवेशन ना हो अगर उसे ये ना लगे कि इसको करने से मुझे क्या मिल रहा है क्योंकि एक जनरल ये ह्यूमन टेंडेंसी है हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें लगता है इस कार्य के पूरे होने से इस कार्य में मेहनत करने से हमारी किस नीड का हमारी किस आवश्यकता का पूरा होगा क्या क्या आवश्यकताएं हमारी पूरी होंगी तो अगर उसको कार्य करने में अगर कुछ भी नीड या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो उसको कार्य करने में उसको प्रेरणा नहीं मिलती तो मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जो आपको शुरुआत से आखिर तक आपके कार्य में आ, कुशल बनाए रखने में मदद करता है दूसरी डेफिनेशन हम स्टैनले वेंसी की बात करेंगे ये कहते हैं प्रेरणा एक असंतुष्ट आवश्यकता है ये एक ऐसी अनसेटिस्फाइड नीड है जो आपके मन में अराइज़ होती है जिसको कि आप पूरा करना चाहते हैं बहुत ज़रूरी है आपको मोटिवेट करने के लिए एक अनसेटिस्फाइड नीड हो एक मोटिव हो आपके मन में आपके दिमाग में जिसकी आपकी इच्छा पूर्ति हो पूर्ण करने की अगर आप उस, उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे आप उसको करने के लिए वो कार्य करेंगे जिससे उस इच्छा की पूर्ति होगी तो वही ये वेंसी कहते हैं प्रेरणा एक असंतुष्ट आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करती है जो तनाव या असुंतर की स्थिति पैदा करती है जिससे व्यक्ति लक्ष्य निर्देशित पैटर्न की में आवश्यकता को संतुष्ट करने संतुलन की स्थिति बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो इसके कहने के अनुसार ये है कि आपकी जो एक अनसेटिस्फाइड नीड है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मन में आपके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करती है वो आपको बार 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 आपके मन में आता है कि मुझे इस इच्छा की पूर्ति करनी हो और उसके लिए मुझे क्या कार्य करना होगा तो उस कार्य को करने के लिए आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और उस दिशा पे चलने पे जब आपको उस कार्य से आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन अराइज़ होता है तो ये इस प्रक्रिया को जो हम नाम दे रहे हैं वो है मोटिवेशन इसमें आगे हम बात करते हैं इसके प्रेरणा के लक्षण क्या हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनको बहुत ध्यान से समझने की हमें ज़रूरत है अगर हम मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है इसको हम साइकोलॉजिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप किसी भी कर्मचारी के मनोस्थिति को समझने की आप कोशिश करते हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसी है किस प्रकार से उसको चीज़ों की ज़रूरत है कैसी उसकी अनसेटिस्फाइड नीड है क्योंकि जितने भी कर्मचारी हमारे संगठन में कार्य कर रहे हैं वो सब एक दूसरे से अलग हैं उन सब की ज़रूरत अलग हैं उनकी मांगें अलग हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मोटिवेशन प्रोसेस के लिए आप ये जान पाएँ आपके कर्मचारी के दिमाग में क्या चल रहा है वो किस तरीके की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है आप मान लीजिए अगर सारे एम्प्लॉयज़ को किसी एक पर्टिकुलर नीड के लिए सेटिसफाई करने की बात करते हैं तो हो सकता है कि कुछ कर्मचारी आपके प्रेरित हों और कुछ ना हो क्योंकि उनकी वो ज़रूरत ही नहीं है तो किसी को वो मोटिव देने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसके मन में उसके दिमाग में किस प्रकार की नीड चल रही है तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपको कर्मचारी के मनोबल मन मनोविज्ञान को जानने की ज़रूरत है उसके मन में क्या है वो जानने की ज़रूरत है तो साइकोलॉजी को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट्स से आप अगर बात करें तो आपको ये पता लगाना होगा उससे बातचीत करके उसके साथ बोलने से उसकी समस्याओं को समझने से आप ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल को आप किस चीज़ के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं दूसरा जब हम कहते हैं कि ये जो प्रेरणा का प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी पर्सन को या कर्मचारी को आज प्रेरित कर दिया और फिर उसकी वो नीड सेटिसफाइड हो जाती है तो उसके बाद वो दोबारा से किसी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं होगा ये जो अनसेटिसफाइड नीड है ये बेसिकली एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो इंसान है उसकी ज़रूरतें या उसकी जो मांगें हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं आज हम किसी चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं फिर हमारी कल किसी और चीज़ की नीड अराइज हो जाती है तो इसीलिए जो मोटिवेशन का प्रोसेस है ये जो प्रक्रिया है ये कंटेन्यूसली चलती है ऑनगोइंग एक्टिविटी है इसको आप समय समय पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने संगठन में इसको प्रचार करते हैं इसका इस प्रोसेस को इस प्रक्रिया को आप दोहराते रहते हैं और चलाते रहते हैं क्योंकि आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉज़ की क्या अनसेटिसफाइड नीड्स हैं और उसको आप रेगुलरली गाइड करते रहें वो मोटिव मोटिव प्रोवाइड करते रहें ताकि वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म करता रहे तो इसको कंटिन्यूसली हमें अपने संगठनों में करना होता है इसके बाद तीसरा हमने जैसे कहा ये कॉम्प्लेक्स है अन अनप्रिडिक्टेबल है मोटिवेशन अगर हमें किसी को देना है तो हमें ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किस चीज़ से मोटिवेट होगा जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि वो आ, एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट्स रखते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए लेकिन ज़रूरी नहीं है जैसा हमने कहा कि हर कोई उस चीज़ से मोटिवेट हो जाए तो आपको ये पता लगाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्ट टास्क है कि किस इंडिविजुअल की किस प्रकार की नीड है कैसे आप उसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसकी वजह से हमने इस टास्क को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहा है और अनट्रिडिक्टेबल भी है इसमें आप जरूरी नहीं है कि उस सामने वाले पर्सन को जो आप समझ रहे हैं जिस चीज़ से उसको मोटिवेशन मिलेगा वो उस बात से प्रेरित हो ही और उसके प्रति वो बेहतर कार्य करने लगे आगे हम इसको कहते हैं कि ये जो मोटिवेशन का एस्पेक्ट है ये परवेसिव है परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पर हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट में हम इसको इम्प्लीमेंट uh, करते हैं कोई ये स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल से या स्पेसिफिक पोस्ट से या डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता ये आपके संगठन में हर जगह पर हर तरीके के एम्प्लॉयज़ पर ये एप्लीकेबल है क्योंकि इम्प्लाइज़ का एक जनरल वर्क uh, करने का स्टाइल होता है अगर वो किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड हैं उन्हें लगता है कि इससे उनकी जो नीड्स हैं उनकी वॉन्ट जो हैं जो अनसेटिसफाइड हैं वो सेटिसफाई हो पाएंगी उनको वो पूरा कर पाएंगे तो उससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं तो मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे हर इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये किसी भी कर्मचारी के जो व्यवहार है उस पर ये असर डालता है इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर को बिल्कुल सही बात है ये अगर ये किसी भी कर्मचारी के बिहेवियर को उसके कार्य करने के तरीकों को ये इन्फ्लुएंस नहीं करता तो शायद हम ये प्रक्रिया अपने संगठनों में नहीं इस्तेमाल करते इसका मेन कारण ही यही है इसको यूज़ करने का रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है वो अपने कार्य को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इसी की वजह से हम इसको मोटिवेशन को करते भी हैं या एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं मोटिवेशन दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है इसका जो प्रोसेस है वो पॉजिटिव फॉर्म में भी किया जा सकता है और नेगेटिव फॉर्म में भी किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी होगा कि कर्मचारी की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो किस प्रकार का है किस टाइप का वो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनालिटी कैसी है तो उसके हिसाब से आप उसको मोटिवेशन दे सकते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं तो आप उसको ये कहकर मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अगर इस कार्य को करते हैं और इस कार्य में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा या आपकी सैलरी में वृद्धि होगी या आपको रिकोगशन मिलेगा आपको अप्रिसिएशन दिया जाएगा इस चीज़ के लिए तो ये एक तरीका हो गया पॉजिटिव फॉर्म में उसको मोटिवेट करना ये बता के कि अगर वो इस कार्य की पूर्ति करता है तो इस प्रकार से उसको ये रिवॉर्ड्स और रिकॉग्नीशंस मिलेंगे इसके अलावा अगर हम उसको नेगेटिव वे में मोटिवेट करते हैं तो नेगेटिव वे में भी मोटिवेट किया जा सकता है कर्मचारियों को बट इसमें हम उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करते हैं काम तो हम उनसे वही करा रहे हैं लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म में मोटिवेट कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार के कार्य को नहीं करते हैं या अगर आपकी परफॉर्मेंस इस प्रकार से नहीं होगी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या आपका डिमोशन किया जा सकता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करेंगी कि, कि किस प्रकार का वो कर्मचारी है उसकी मानसिकता कैसी है किस चीज़ से वो कार्य करने के लिए तैयार होता है कुछ लोग होते हैं जिन्हें एप्रिसिएशन अवार्ड्स और रिकोगनीशन्स चाहिए होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एप्रिसिएशन रिवॉर्ड नहीं चाहिए होता उन्हें लगता है कि जो कार्य वो कर रहे हैं वो सही है जिस पोजीशन पर वो कार्य कर रहे हैं वो भी ठीक है लेकिन हाँ उनको इस बात से डर लगता है कि अगर वो डिमोट हो जाएंगे या उनकी नौकरी चली जाएगी तो शायद उन पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो अपने कार्य को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएंगे तो ऐसे ही लोगों के लिए ये इस प्रकार का नेगेटिव मोटिवेशन काम करता है इसके आगे हम बात करते हैं प्रेरणा के महत्व क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों हम अपने इंप्लाईज को अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं तो सबसे पहला है गोल अकम्पलिशमेंट डेफिनेटली अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो मोटिवेटेड हैं प्रेरित हैं अपने कार्य को करने में तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जब वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने निर्धारित गोलों को अपने अपने जो भी उनके एम्स हैं उनको वो पूरा करने में बेहतर साबित होंगे उनके जो गोल अकम्पलिशमेंट हैं जिस डे को वो पाना चाहते हैं वो पूरी तरीके से अचीव कर पाएंगे दूसरा जैसे हमने इसमें कहा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ये मदद करता है प्रेरित जो कर्मचारी होते हैं वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं क्योंकि वो अपने कार्य को करने में मोटिवेटेड होते हैं उनके पास एक मोटिवेशन होता है उस कार्य को करने का एक मोटिव होता है कि वो उस कार्य को करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कम्प्लिश करना चाहते हैं ताकि उनकी जो अनसेटिसफाइड नीड है वो सेटिस्फैक्शन में बदल सके इससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है काम करने की उनकी जो एफिशिएंसी है स्पीड है उसमें भी बढ़ोतरी आती है क्योंकि उस कार्य को वो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं और जल्दी कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी अनसेटिस्फाइड नीड को वो सेटिस्फाइड नीड में बदलना चाहते हैं मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ अपने कार्य से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है अपने कार्य को वो लगन से मेहनत के साथ करते रहते हैं जिससे उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है उनके बेहतर रिलेशनशिप होते हैं जो एम्प्लॉयज़ हमारे कार्य कार्य करने में मोटिवेटेड होते हैं उनके जो संबंध है वो मैनेजमेंट के साथ बेटर होते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो इस कार्य को करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी उनकी नीड्स को उनकी वांट्स को फुलफ़िल करेगा तो जब एक दूसरे की ज़रूरतें हम पूरी करते हैं जब कर्मचारियों को नियुक्त करता उनकी नीड्स में उनके अनसेटिस्फाइड नीड्स में सेटिसफाई करने में मदद करता है उनको वो चीज़ें दे रहा है जिसकी उनको ज़रूरत है तो एम्प्लॉय भी वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार होते हैं जो संगठन की ग्रोथ के लिए संगठन के सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है इसीलिए इस प्रकार इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बेहतर बने रहते हैं और जब एम्प्लॉयज़ अपने कार्य को मोटिवेटेड फॉर्म में करते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन की जो एक इमेज है वो भी मार्केट में पॉजिटिव बनती है क्योंकि आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके कार्य कर रहे हैं आपके संगठन में वो जो वर्ड ऑफ माउथ से जो पब्लिसिटी करेंगे अपने संगठन के बारे में जिस तरीके से वो फीडबैक देंगे मार्केट में या इन्वायरमेंट में लोगों को पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से कार्य कराती है या लोग अच्छे से प्रेरित होकर कार्य करते हैं जैसा हमने कहा कि ऐसे लोग जॉब से सैटिस्फाइड रहते हैं उनको मालूम है कि उनकी नौकरियों में सेटिसफेक्शन है छुट्टियाँ वो लोग कम लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी कम जाते हैं तो ये भी इसके एक बेनिफिट हो सकते हैं जिसमें एम्प्लॉ टर्नओवर रेट आपका कम होता है एबसेंटिज़म रेट भी आपका कम होता है तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आपके आपकी कंपनी uh, की एक बेहतर इमेज मार्केट में बनाती है उसकी गुडविल बनाती है और ये एक कारण बनता है फर्दर आपके यहाँ पर अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने में आकर्षित करने में जो पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ हैं जब आपकी एक एम्प्लॉय इमेज बन जाती है तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं जिस प्रकार के वो टैलेंट और नॉलेज और स्किल्स रखते हैं वो आपके संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं और फर्दर आपके साथ कार्य करना चाहते हैं अब बात करते हैं मोटिवेशन की आ, अलग अलग प्रकार से इसको समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास एक समरी चार्ट है जो आपको कुछ हद तक मदद करेगा कि मोटिवेशन क्या होता है उसको और बेहतर तरीके से आप जान पाएँ जैसे मैंने कहा कि एक प्रोसेस है जो स्टमलेट करता है पीपल के डिज़ायर्ड एक्शन को कहीं ना कहीं आपको एक मोटिव देता है आपको वो एक प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है और क्या कार्य करना है इम्पॉर्टेंस के बारे में हम बात करें तो इम्पॉटेंस कहती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है उनके पर्सपेक्टिव को ये चेंज करने में मदद करता है अगर कोई इंप्लॉयी नेगेटिवली अपनी कोई धारणा रखता है या उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है तो उसको हम सही डायरेक्शन में मोटिवेट करके उसके एटीट्यूड को उसके बिहेवियर को भी पॉजिटिव कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन ये एम्प्लॉ टर्नओवर में वृद्धि कमी करता है रिड्यूस करता है एम्प्लॉय टर्न रेट को ये हेल्प करता है एबसेंटिज्म रेट को रिड्यूस करने में और ये कहीं ना कहीं मैनेजर को चेंज इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है जब संगठन में बदलाव आते हैं किसी भी प्रकार के तकनीकी बदलाव हो या औद्योगिक बदलाव हो, उन बदलाव को इम्प्लीमेंट करने में भी ये मदद करता है मैनेजर की क्योंकि उस समय पे भी आप इम्प्लॉयज़ को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि कैसे ये चेंजेस उनके लिए बेहतर रहेंगे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर रहेंगे तो जब आप अपना बेनिफिट उसमें देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ इससे आपकी भी बहुत सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होंगी तो आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं फीचर्स के बारे में जैसे हमने बात की ही थी कि मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है आपकी इनसाइड फीलिंग है कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होंगे ये सामने वाले को पता करना होगा एकदम से आपको देख के कोई नहीं बता सकता कि आपकी नीड्स और वांट्स क्या हैं तो ये एक इंटरनल फीलिंग है जिसको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये आपके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको डायरेक्ट करता है ये दोनों प्रकार से किया जा सकता है जैसे हमने बताया पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है डिफ़िकल्टी होती है इसमें ये पता लगाने में कि कैसे आप अपने कर्मचारी को प्रेरित करें इसके प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो हम स्टार्ट करते हैं अनसेटिस्फाइड नीड से मोटिवेशन की शुरुआत होती है आपकी असंतुष्ट जो ज़रूरतें हैं या जो नीड हैं उनसे शुरुआत होती है क्योंकि आप उनको पूरा करना चाहते हैं उससे कहीं ना कहीं आपके मन में एक टेंशन क्रिएट होती है आप सोचते रहते हैं उसके बारे में कि कैसे मेरी ये ज़रूरत मैं पूरी करूं वो ज़रूरत और जब आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट करती है तो आप ड्राइव करते हैं आप ढूंढते हैं आप सर्च करते हैं किस किस प्रकार से किस किस ज़रिए से मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ फिर उस बिहेवियर को आप सर्च करते हैं कि मुझे क्या करना होगा इसको पूरा करने के लिए और जब आप उस कोर्स ऑफ एक्शन पे चलने लगते हैं तो आपकी जो अनसेटिस्फाइड नीड है वो धीरे 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 करके सेटिस्फाइड नीड में बदल जाएगी और जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग से जो टेंशन है वो कम हो जाएगी तो ये जो अनसेटिस्फाइड नीड है वो ही कहीं ना कहीं आपको उसका एक मोटिवेशन देती है ताकि आप अपने बिहेवियर को अपने एटीट्यूड को चेंज करें और उस कार्य को करने के लिए आप प्रेरित हों इसके साथ ही यहाँ पर एक ह्यूमन नीड्स की थ्योरी दी है जिसको कि हम मैस्लोस हरैर की नीड ऑफ थ्योरी कहते हैं जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बट जस्ट फॉर दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ बता देती हूँ मैस्लो के कहने के अनुसार हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग स्टेज पे जाके अलग अलग तरीके की नीड्स होती हैं जो शुरू होती हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स से जो जाती हैं सिक्योरिटी तक सेफ्टी uh, और सिक्योरिटी तक उसके बाद इंडिविजुअल की बिलोंगिंगनेस नीड क्या होती है एस्टीम नीड और फाइनली उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर वो पहुंचता है इन सारी नीड्स को हम फर्दर आने वाली स्लाइड्स में और विस्तार से डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैं आपको विस्तार में पढ़ाना चाहती हूँ टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स के बारे में क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो दोनों ही प्रकार से संगठन में दिया जा सकता है फाइनेंशियली भी दिया जा सकता है और नॉन फाइनेंशियल तरीके से भी दिया जाता है इंसेंटिव भी आपके इंडिविजुअल को मोटिवेट करने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आप कुछ इस प्रकार से अपने कर्मचारी को मोटिवेट कर सकते हैं उनको पे या अलाउंसिस दे के उनकी जो सैलरी आप पे करते हैं उनको जो वेजेस आप देते हैं या जो उनको अलाउंस दिए जाते हैं उनको जब आप उसमें आप इंक्रीमेंट करते हैं या उसको जब आप बढ़ाते हैं या अच्छी तरीके से उनका पेमेंट करते हैं तो जो एक कर्मचारी है उसको प्रेरणा मिलती है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस आप उनको क्या करें उनके कार्य से उनके वेतन को जोड़ दें जितना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव करेंगे उतना ज़्यादा उनको वेतन प्राप्ति होगी तो इससे उनको ज़्यादा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी आप क्या कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को उनके रिजल्ट को उनकी परफॉर्मेंस को, को आपने वेजेस से जोड़ दिया तो आप सीधा सीधा उनसे ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा आप उनको बोनस दे सकते हैं प्रेरित करने के लिए कई सारे संगठन अपने प्रॉफिट शेयरिंग भी करती हैं ये एक नया तरीका है संगठनों का अपने एम्प्लॉयज़ को अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का जिसमें कि वो अपने प्रॉफिट्स के कुछ परसेंटेज को उनके साथ शेयर करती हैं जिससे एम्प्लॉय भी ये चाहता है कि संगठन का जो प्रॉफिट है वो दिन प्रतिदिन बढ़े जितना वो बढ़ेगा उतना ही उनका परसेंटेज ऑफ शेयरिंग जो है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा को पार्टनरशिप भी ऑफर करती हैं आज के टाइम पे कंपनीज अपनी जो एम्प्लॉयज़ अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और अपने संगठन को प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन uh, में एम्प्लॉयज़ उनको रिटेन करने के लिए ऐसे जो लोग हैं जो टैलेंटेड हैं और बहुत हद तक आपके ऑर्गेनाइजेशन को मदद करते हैं ग्रोथ करने में या सक्सेस दिलाने में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को को पार्टनरशिप ऑफर करते हैं और वो कंपनी में पार्टनर्स की तरह कार्य करने लगते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकती है संगठन अपने कार्य uh, कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए कि उनकी नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद उन्हें किस प्रकार से बेनिफिट दिए जाएंगे जिसमें हम पेंशन की बात कर सकते हैं फंड्स की बात कर सकते हैं इसमें प्री रिक्यूजिट्स भी आप दे सकते हैं प्री रिक्विजिट्स आपके बेसिकली आप उनको आ, कुछ हाउसिंग फैसिलिटी टाइप की प्रोवाइड कर रहे हैं या उनको आपने कुछ पर्कस दे दिए फाइनेंशियल टर्म्स में जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी के अलावा जो और चीज़ें मिलती हैं संगठनों द्वारा उससे भी उनको मोटिवेशन मिलता है इसके आ, साथ ही हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के आ, तरीके से भी इम्प्लॉज़ को मोटिवेट कर सकते हैं जैसे उनको अच्छा स्टेटस दिलाकर एक अच्छी पोजीशन आप उनको देते हैं अगर वो कार्य अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी पोजीशन अच्छी हो उनका स्टेटस अच्छा हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उनको इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर क्लाइमेट उनको देकर कि जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा हो आपका जो वर्क प्लेस हो वो अच्छी है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे संगठन अपने कर्मचारियों को उनके करियर में कैसे बढ़ोतरी हो उस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उनकी जॉब को एनरिच कर सकते हैं उनके प्रोफाइल को बढ़ा सकते हैं एम्प्लॉ रिकॉग्निशन प्रोग्राम आप चला सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को अवार्ड्स दें रिकॉग्नाइज करें जिस भी कार्य में उन्होंने अच्छा किया है तो उससे भी उनको प्रेरणा मिलती है उनको जॉब सिक्योरिटी देके आप मोटिवेट कर सकते हैं कई जगह पर संगठनों में ज़्यादातर जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कई बार डीमोटिवेट फील करते हैं उनको लगता है कि उनकी नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं है लेकिन अगर हम उन्हें इस प्रकार से विश्वास दिला दें कि उनकी नौकरियाँ जो हैं वो सेफ़ हैं सिक्योर हैं तो वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं इम्प्लॉय पार्टिसिपेशन आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं आप जो प्लानिंग करते हैं संगठन में उसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट कराइए और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें अपने तब, अपन, अपने अपनत्व की भावना आती है और वो संगठन से ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं उनके रिलेशन्स बेहतर हो पाते हैं और ये बेहतर रिलेशन्स उन्हें अपना कार्य अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं और आप अपने एम्प्लॉइज़ का सशक्तिकरण कराइए उनको एम्पावर करिए उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए उन्हें उनके द्वारा कार्य कराइए ताकि वो मोटिवेटेड फील करें जब आप उनको अथॉरिटी देते हैं कार्य करने की तो वो मोटिवेशन उनके अंदर आता है तो ये मोटिवेशन के कुछ आ, एक एक आप कह है सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से प्रदर्शन करें अब हम बात करेंगे प्रेरणा सिद्धांतों की प्रेरणा के क्या क्या सिद्धांत हैं क्या थ्योरीज हैं तो ये जो हमारी थ्योरीज हैं उनको हमने चार कैटेगरीज़ में यहाँ पर बांटा हुआ है सबसे पहले हम कंटेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे इन कंटेंट थ्योरीज़ में हमारी चार थ्योरीज हैं जिसमें हमारी शुरुआत होती है अब्राहिम मैस्लो की थ्योरी से हर्जबर्ग की थ्योरी है फिर मैक की थ्योरी है और उसके बाद हम बात करेंगे एल्डर फॉर ई आर जी थ्योरी की इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है उसमें हमने प्रोसेस थ्योरीज को रखा है प्रोसेस थ्योरी में हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है और इक्विटी थ्योरी है तीसरी श्रेणी में हमारी री इन्फोर्समेंट थ्योरी आती हैं जो ओ बी मॉडिफिकेशन के नाम से जानी जाती हैं जिसमें आप एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और चौथी श्रेणी में हमारे बिहेवरल थ्योरीज हैं जिसमें हमारे पास मैगजॉर की एक्स एंड वाई थ्योरी है और आउची की थ्योरी जेड है तो शुरुआत करते हैं कंटेंट थ्योरीज से जिसमें हम चार थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैस्लो हरारकी ऑफ नीड से मैस्लो हरार्की ऑफ नीड जो है वो मैस्लो ने ही दी है अब्राहम मैसलो ने इस थ्योरी को इजाद किया था और वो ये कहते हैं कि, कि किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी मानवता मानव की जो ज़रूरतें होती हैं जो उसकी नीड्स होती हैं उनको हम पांच कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू हेम वंस दी लोअर लेवल ऑफ़ दी नीड ऑफ द इंडिविजुअल इज मैट देन ही मूव्स टूवर दी लेक्स लेवल ऑफ़ नीड इसको यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है कि अब्राहिम मैसलो ने जो थ्योरी दी है वो ये कहते हैं कि इंसान की ज़रूरतों को उन्होंने पांच भाग में बांटा हुआ है पांच लेवल में बांटा हुआ है लेकिन ये लेवल ऑफ नीड्स जो हैं वो तभी अराइज़ होती हैं जब फर्स्ट लेवल ऑफ नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं इसका मतलब ये है कि आपकी जो फर्स्ट लेवल ऑफ़ नीड है जब वो पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आपकी नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड अराइज़ होती है तो चलिए बात करते हैं अब्राहिमो के द्वारा जो उसने डिफरेंट लेवल्स बताए हैं वो क्या क्या हैं तो सबसे पहले जो वो ये कहते हैं इस तरीके का उन्होंने एक पिरामिड बनाया है अपनी नीड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें हमने शुरुआत करी है बेसिक नीड से जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के नाम से जानते हैं ये नीड जो होती है वो बेसिक नीड्स होती है जो अराइज़ होती है फॉर दी फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स के लिए राइट तो इंडिविजुअल अगर अपनी इस इस पर्टिकुलर नीड को जब पूरा कर लेता है उसके खाने की उसके रहने की जब व्यवस्थाएं हो जाती हैं और उसकी ये नीड पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो दूसरी नीड्स पर पहुंचता है जिसको कि हम सिक्योरिटी नीड के नाम से जाते हैं वो कहते हैं कि इंसान की जब प्रेजेंट की खाने पीने की सुविधाएं पूरी हो जाती हैं वो इस नीड से सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको आने वाले कल की चिंता होती है और वो चाहता है उसके आज के साथ साथ उसका जो कल है वो भी सेफ हो जाए और सिक्योर हो जाए तो उसके लिए वो सिक्योरिटी नीड्स तक पहुँच जाता है और जब वो ये देख लेता है कि उसकी आज की और आने वाली ज़रूरतों को वो पूरी तरीके से पूरा कर पाएगा उसके बाद वो तीसरे लेवल पे पहुंचता है जिसको कि हम बिलोंगिंगनेस नीड का नाम देते हैं और हम जैसे कि जानते हैं कि ह्यूमन बींग जो होता है वो एक सोशल एनिमल है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता बहुत ज़रूरी है उसको बिलोंगिंगनेस की वो लोगों से जुड़े एक दूसरे से एक रिलेशनशिप मेंटेन करे जिससे कि वो अपने जो भी डेली लाइफ है या दिन भर की बातें हैं वो कर सके तो उसकी वो बिलोंगिंगनेस पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है और जब उसकी वो बिलोंगिंगनेस पूरी हो जाती है उसके बाद वो एक और अपर लेवल पर पहुँच जाता है जिसको कि हम एक्स्टीम नीड के जान से जानते हैं और ये एसटीम नीड इस तरीके की है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे होते हैं तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब आप चाहते हैं कि आपके स्टेटस में आपकी पोजीशन में ऐसी ऐसी पावर हो ताकि आप कह सकें कि आपने जीवन में कुछ कार्य किया है तो यहाँ पर आपकी स्टेटस की एक पोजीशन की नीड अराइज़ होती है जिसको कि हम एस्टीम नीड के नाम से जानते हैं और जब आपकी ये भी फुलफिल हो जाती है तो एक इंडिविजुअल अपने टॉप लेवल ऑफ नीड पे पहुंच जाता है जिसको मैस्लो ने सेल्फ एक्चुलाइजेशन का नाम दिया है और यहाँ आकर जो इंडिविजुअल है जो कर्मचारी है उसकी जो ज़रूरत है वो एक अपर लेवल की हो जाती है यहाँ पर वो कुछ पाना चाहता है कुछ अचीव करना चाहता है जो डिफरेंट हो चैलेंजिंग हो कुछ नया वो एक्सपीरियंस करना चाहता है क्योंकि बाकी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या बेसिक कैटेगरी ऑफ नीड है वो उसकी अब यहाँ तक पूरी हो चुकी है तो ये जो चार्ट है ऑर्गेनाइजेशन में जो बनाया गया है जिसमें हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की जो अब्राहिम मैस्लो के द्वारा दी गई है इसको हमने यहाँ समझने की कोशिश की है विद दी जनरल एग्जांपल्स और ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल्स क्या हैं जैसे अगर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे हैं और इंडिविजुअल की नीड है फूड की तो वो पूरी हो पाएगी अगर हम उसको सही प्रकार से बेसिक सैलरी अगर हम उसको दे रहे हैं तो डेफ़िनेटली जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी वो कर पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको उसको मोटिवेट करने के लिए क्या देना होगा एक सैलरी देनी होगी सही तरीके से वेतन देना होगा तो वो सेटिस्फाइड रहेगा अगर आप उसको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जहाँ पे उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस हो तो उसके लिए आप उसको पेंशन प्लान दे सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं जिससे कि उसको मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है आज के लिए तो मुझे सैलरी मिल रही है लेकिन कल को जब मेरी नौकरी नहीं होगी मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करूँगा तो उसके लिए वो पेंशन प्लान जो है वो मोटिवेशन का कार्य करेगा बिलोंगिंगनेस नीड पे क्योंकि हमें एक दूसरे से बातचीत की ज़रूरत होती है फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है तो अगर आपके कार्य में आपके संगठन में उसे अच्छे लोग मिलते हैं जिसके साथ वो बातचीत कर सकता है एक अच्छा इन्वायरमेंट उसको मिलता है जहाँ पे उसके जो कलीग्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं तो इस तरीके की जो ज़रूरत है वो भी उसको कार्य करने में मोटिवेट करती हैं जब वो स्टीम नीड पे पहुंच जाता है जब वो स्टेटस की तरफ देखता है तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं बढ़िया जॉब टाइटल देके, ऐसी पोजीशन देके, जहां पर उसको उस पर कार्य करने में मजा आए और मोटिवेटेड वो फील करे और जब इम्प्लॉय सेल्फ एक्चुलाइजेशन लेवल पे पहुंच जाता है तो जब वो कुछ पाने की इच्छा रखता है तो आप उसको कुछ चैलेंजिंग जॉब्स दे सकते हैं जिसमें कि वो कुछ नया और कुछ अच्छा करे जिसको वो अचीव करके अच्छा महसूस करे। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करी थी मोटिवेशन किस तरीके से हम अपने एम्प्लाईज़ को दे सकते हैं अंडरस्टैंडिंग एट वॉट लेवल दे आर अगर हम ये जान लें कि हमारे संगठन में हमारे कर्मचारी किस लेवल ऑफ नीड पर हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको सही डायरेक्शन में मोटिवेट कर सकते हैं इसके बाद हमारी जो दूसरी थ्योरी आती है जो आ, फेडरिक हर्सबर्ग ने दी है हर्जबर्ग की जो थ्योरी है उसको हम टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं और हर्जबर्ग कार्य वातावरण में संतुष्टि या असंतोष के प्रभावित करने वाले कारकों को समझाने के लिए अध्ययन पे आधार पर प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत उन्होंने विकसित किए हैं इन कारकों के क्रमश प्रेरणा और स्वच्छता कारक में रूप में वृगृति किया गया है इन्होंने क्या कहा है कि दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जैसा कि हमने इस थ्योरी के नाम में भी लिख रखा है ये हर्जबर्ग की दो फैक्टर थ्योरी है मैस्लो ने पांच चीज़ों में नीड्स को बताया हर्जबा केवल दो चीज़ें बताते हैं ये कहते हैं दो फैक्टर्स होते हैं एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स और दूसरे होते हैं मोटिवेटर तो जानते हैं हाइजीन फैक्टर क्या हैं जो स्वच्छता फैक्टर हैं वो ये हैं कि कि किसी नौकरी में बुनियादी कारक हैं और इन्हें बाहरी कारकों के रूप में भी जाना जाता है हालांकि वे सकारात्मक संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते लेकिन इन कारकों की अनुपस्थिति से असंतोष को जन्म देती है तो ये जो स्वच्छता वाले फैक्टर और जो हाइजीन फैक्टर की हरसबक बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कार्य करने के लिए ज़रूरी हैं इनके होने से कोई मोटिवेशन नहीं हो रहा है कोई भी कर्मचारी प्रेरित नहीं हो रहा है लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स कार्य में नहीं हो तो वो डीमोटिवेट ज़रूर हो जाएगा जैसे कि वो कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में उनको कार्य करने में एक अच्छा स्टेटस ना मिले जॉब सिक्योरिटी ना मिले बढ़िया सैलरी या फ्रिंज बेनिफिट्स ना मिले तो उनको कार्य करने में क्या होगा डिमोटिवेशन होगा ये सारी चीज़ें कोई मोटिवेशन नहीं दे रही हैं आप सोचें कि आप सही सैलरी दे रहे हो या आपने अपनी कंपनी में इंप्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी दे रखी है या सैलरी अच्छी देते हैं आप उनको फ्रिंज बेनिफिट्स देते हैं आने जाने की सुविधा देते हैं खाने के लिए फैसिलिटी देते हैं या रहने के लिए मकान देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस देते हैं ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए ये तो एम्प्लॉई और कर्मचारी मानते हैं कि इनको कर देने से या इनको देने से कोई फर्दर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे फैक्टर्स को हर्जबर्ग ने उनको हाइजीन फैक्टर में जोड़ दिया है जबकि अगर हम मोटिवेटर्स की बात करें तो मोटिवेटर्स वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल को एक कर्मचारी को मोटिवेट करते हैं प्रेरित करते हैं उस कार्य को और बेहतर करने के लिए तो ये कारक नौकरियों के आंतरिक हैं जो संतुष्टि प्रदान करते हैं इन्हें आंतरिक कारक कहा जाता है इनकारों को की अनुपस्थिति से असंतोष नहीं हो सकता लेकिन नौकरी में उनकी अनुपस्थिति संतुष्टा की भावना देती है जैसे कि वो चाहते हैं कि उनको चैलेंजिंग जॉब मिले जितना ज़्यादा चैलेंजिंग रोल होगा जितना ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब होगा उस कार्य को करने में उन्हें उतना मज़ा आएगा और उतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड फील करेंगे एडवांसमेंट्स की उनको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो ग्रो कर सकें काम करने में उनको ऑटोनॉमी दे मतलब उनको ऐसा नहीं है कि आप आप उनके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वो कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते अगर उन्हें कार्य को करने की ऑटोनॉमी दी जाती है तो वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं उन उनपे जिम्मेदारी दी जाए तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है उन्हें लगता है कि हाँ उनका जो संगठन है वो उन उनपे विश्वास करता है और इस विश्वास को पूरी करने के लिए वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं तो ये जो थ्योरी है अर्स की टू फैक्टर थ्योरी इसमें हमने दो तरीके के फैक्टर्स के बारे में बात करी जिसको हम नाम दे रहे हैं हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर तो हाइजीन फैक्टर हमारे वो फैक्टर्स हो गए जो केवल मोटिवेट आ, बेसिकली मोटिवेट करने का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि अगर इनकी अनुपस्थिति होगी तो जो आपके कर्मचारी हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे जबकि जो मोटिवेटर्स हैं वो आपके एम्प्लाईज को प्रेरित करते हैं बेहतर कार्य के प्रदर्शन के लिए इसके अलावा जो हमारी तीसरी थ्योरी है जिसको हम नाम देते हैं मैक कैलेंड अचीवमेंट मॉडल का ये डेविड मैक कैलेंड ने दी है इसको जो मोटिवेशन की थ्योरी दी गई है वो डेविड मैकेलेट के द्वारा दी गई है और ये बताते हैं कि जो इम्प्लॉइज़ हैं जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी तीन प्रकार की नीड होती हैं जिसको इन्होंने अचीवमेंट एफिलिएशन और पावर में बांट दिया है मोरलेस आप देखेंगे जो कंटेंट थ्योरीज़ हैं इनमें जो नीड्स की बात की गई है इन सभी के द्वारा उनमें आमूमन तौर पे ये पांच ही तरीके की नीड्स हैं जैसे जो मैसलों ने शुरुआत में गई थी बट इनको इन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बाँट दिया है तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि इंसान की तीन तरीके की नीड्स होती हैं एफिलिएशन अचीवमेंट की एफिलिएशन की और पावर की और यहाँ पर इंडिविजुअल का जो बिहेवियर एट एनी टाइम इज़ गेंटेड बाई दी मल्टीपल मोटिवस इसमें अंतर यह है कि मैकेलेलेंट कहते जो मैस्लो हैं वो ये कहते थे कि एक लेवल ऑफ़ नीड पूरी होगी तभी हम दूसरे लेवल ऑफ नीड पर पहुँचते हैं जबकि मैकेलेलेंट का कहना है कि ऐसा नहीं है एक इंडिविजुअल की एट दी सेम टाइम अलग अलग तरीके की नीड्स हो सकती हैं जिसमें वो अचीवमेंट और एफिलिएशन नीड पूरी करना चाहता है एट दी सेम टाइम बट इन मोस्ट सिचुएशन वन और टू मोटिव्स आर डोमिनेंट एंड दस मोटिवेशन वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ नीड्स तो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि अचीवमेंट नीड किस प्रकार की होती है पीपल विद दी हायर नीड ऑफ अचीवमेंट सीक टू एक्सेल एंड दस ट्रेंड टू प्रेफर मॉडरेट रिस्क जो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं कुछ पाना चाहते हैं तो वो ज़्यादातर जोखिम उठाना पसंद करते हैं मध्य प्रकार का जो जोखिम होता है उस तरीके के रिस्क को लेने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इनका जो नेचर है जो इनकी नीड है वो कुछ अचीव करने की है कुछ पाने की है दे चोज दो स्टार्स वेयर दे कैन टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम ये इस प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित रहते हैं जहाँ पर उस कार्य में वो खुद की जिम्मेदारी लेके उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ अचीवर रिक्वायर्स रेगुलर फीडबैक इन ऑर्डर टू चेक दी प्रोग्रेस ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड दी मैनेजमेंट शुड गिव देम दी हायर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट विथ अटैनेबल गोल तो ऐसे कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए जिनके अंदर अचीवमेंट नीड है उन्हें एक रेगुलर फीडबैक देते रहना चाहिए ताकि उन्हें पता चलता रहे कि वो कहाँ तक कितना अचीव कर चुके हैं और उनको ऐसे जॉब्स दिए जाएँ जहाँ पर उनको कुछ अचीव करने के लिए कुछ टारगेट सेट कर दिए जाएँ डेफिनेटली वो जो टारगेट हो वो अचीवेबल टारगेट होने चाहिए रीजनेबल होने चाहिए ताकि वो उनको पूरा करने के लिए मोटिवेटेड फील करें कुछ प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनको एफिलिएशन नीड चाहिए होता है तो जिनकी एफिलिएशन नीड ज़्यादा होती है वो प्लेजेंट रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं उन्हें चाहिए होता है कि उनके साथ कोई आदमी जुड़ा रहे उनके साथ कोई रहे ताकि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करते रहें उन्हें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले कि वो अकेले नहीं है उनके साथ कोई और कार्य भी है तो ऐसे लोग कंपेनियनशिप में एक दूसरे के साथ कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं इन्हें हाई एफिलेशन इंडिविजुअल प्रेफर वर्क प्रोवाइड्स टू दैम विद सिग्निफिकेंट पर्सनल इंटरेक्शन इन्हें आप ऐसा कार्य देते हैं जहाँ पर इन ये लोगों से बातचीत करते रहें या एक टीम में कार्य करें ऐसे लोगों को इस प्रकार के कार्य ज़्यादा मोटिवेट करते हैं दे टेंड टू कन्फर्म टू दी नॉर्म्स ऑफ देयर वर्क ग्रुप जिस ग्रुप के साथ ये कार्य कर रहे हैं उसके जो नियम हैं उसके जो कायदे कानून हैं उससे ये जुड़े रहते हैं उससे ये बंधे रहते हैं एंड मैनेजर शुड क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ सपोर्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर द इंडिविजुअल सीकिंग फॉर एफिलियेशन एंड दस सच काइंड ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन लीड्स टू दी अचीवमेंट ऑफ गोल तो ऐसे लोगों की जिनकी एफिलिएशन वाली नीड होती है बिलोंगिंगनेस जैसी जिससे ये जुड़े रहते हैं तो उन्हें इस प्रकार के कार्य आप संगठन में दें जिसमें कि ये मिलके लोगों के साथ कार्य करें और अपने आप की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें इसके अलावा हमारे पास कुछ लोग होते हैं कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी नीड ऑफ पावर होती है वो चाहते हैं कि उनको एक पोजीशन मिले एक पावर मिल सके ताकि वो अपने स्टेटस से दूसरों पे इन्फ्लुएंशियल पावर क्रिएट कर सकें या यूज़ कर सकें पीपल सीकिंग अ नीड फॉर पावर टेंड्स टू बी आउट स्पोकन एंड फोर्सफुल ये जो एम्प्लॉज़ होते हैं ये जो कर्मचारी होते हैं ये बहुत फोर्सफुल तरीके से अपनी बात को रखते हैं आउट स्पोकन होते हैं दे आर विलिंग टू इंगेज इन दन्फन्ट्रेशन और वो ये क्या है अपने आपका आ, हमेशा ये कन्फ्रंट करने के लिए तैयार रहते हैं हर समय ये आपको तैयार रहेंगे कि कैसे अपनी पावर का ये इस्तेमाल करें या कन्फ्रंट तो करें आपको कि आपने क्या कहा है और कैसे किया है दी पर्सन हू नीड्स पर्सनल पावर वॉन्ट्स टू डायरेक्ट अदर एंड दिस नीड्स इज ऑफन कंसिडरेबल एज वेल एज अनडिज़ायरेबल एंड पर्सन हू नीड्स इंस्टीट्यूशनल पावर वॉन्ट टू मैनेज द एफर्ट्स ऑफ अदर्स टू प्रमोट दी गोल्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन ये क्या इंस्टीट्यूशनल पावर की तरफ कार्य करना चाहते हैं और दूसरों से अपना कार्य करा के अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं इट हैज़ बीन सीन दैट दी मैनेजर विद द नीड ऑफ हाई इंस्टीट्यूशनल पावर टेन टू बी मोर इफेक्टिव दैन दो विद अ हाई नीड ऑफ पर्सनल पावर तो ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हैं जो इंस्टीट्यूशनल पावर में ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू दी पर्सनल पावर क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पावर से फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के उस कार्य को उस गोल को उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में मदद करते हैं इसके बाद आती है हमारी एल्डरफर की ईआरजी थ्योरी एल्डरफर ने जो ईआरजी थ्योरी दी है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो मैस्लो की थ्योरी थी उससे अलाइन करती है लेकिन इसकी जो नीड है नीड थ्योरी है वो थोड़ी सी बस अलग ऐसी है कि ये कहते हैं कि सेम लेवल ऑफ नीड्स एट दी सेम टाइम कैन अराइज ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस नीड पूरी होगी तभी वो रिलेटिव नेट पे आएगा और जब रिलेटेडनेस नीड पूरी होगी उसके बाद ही वो ग्रोथ लेवल पे आएगा ऐसा नहीं है एट दी सेम टाइम एन एम्प्लॉई कैन बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एग्जिस्टेंस एज वेल एज रिलेटेडनेस नीड जबकि मैस्लो का ये कहना था कि कर्मचारी जब एक लेवल ऑफ़ नीड को पूरी कर लेता है उसके बाद ही वो दूसरे लेवल ऑफ नीड को देखता है तो अकॉर्डिंग टू एल्वर फॉर देर इज़ नो हरारिकी ऑफ नीड एंड एनी डिज़ायर टू फिलफिल अ नीड कैन बी एक्टिवेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी पॉइंट पर वो आपकी वो नीड जो है वो अराइज हो सकती है और नीड हमारी यहाँ पर तीन प्रकार की हैं जैसे एल्डरफर कहते हैं एग्जिस्टेंस नीड रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड तो जैसे एग्जिस्टेंस नीड हमारी किस चीज़ के लिए है नीड फॉर एक्जिस्टेंस इसमें हमारी सेफ्टी और फिजिकल नीड्स आ जाती हैं रिलेटेडनेस नीड्स में हमारी कवर होती है इंटरनल एस्टीम हम अपने आप में कितना अपने आप को सेटिस्फाइड रख पाते हैं हमारी सोशल बिलोंगिंगनेस कैसी है हमारी रिलेटेडनेस नीड जो है वो फुलफिल हो रही है बाई हैविंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और ग्रोथ नीड में अराइज़ होती हैं फॉर दी पर्सनल डेवलपमेंट लाइक सेल्फ एक्चुलाइजेशन एंड एक्सटर्नल सेल्फ स्टीम नीड लोग आपको किस तरीके से देखते हैं किस पावर को किस स्टेटस को आप इंजॉय कर रहे हैं अपने संगठनों में इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस थ्योरीज का कंटेंट थ्योरीज के बाद अब हम बात करेंगे प्रोसेस थ्योरीज की प्रोसेस थ्योरीज में हमारे पास दो थ्योरी हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के साथ साथ इक्विटी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे शुरुआत करते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वेक्टर वैक्टर व्रूम ने दी थी और वेक्टर व्रूम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं दी बिहेवियरल प्रोसेस बाय इंडिविजुअल चूज वन बिहेवियर ऑल्टरनेटिव ओवर दी अनदर इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव इफ दे थिंक दैट देर परफॉर्मेंस विल बी रिवॉर्डेड फॉर दी एफर्ट्स दे विल पुट तो आप इस थ्योरी के नाम से इस थ्योरी को और समझने की कोशिश कीजिए बेहतर तरीके से जैसे कि इस थ्योरी का नाम है एक्सपेक्टेंसी एक कर्मचारी की उम्मीदें क्या होती हैं वो किस प्रकार से एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको क्या मिलेगा तो उसके लिए विक्टर व्रूम ने इसको तीन चीज़ों में बांटा है सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं एक्सपेक्टेंसी से उसके बाद इंस्ट्रूमेंटालिटी और तीसरा आता है इसमें वैलेंस तो ये क्या होते हैं इनको जानने की कोशिश करते हैं एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि जो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उस एफ़र्ट्स के बाद उनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो किस प्रकार से होगी उसकी वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इंस्टीपेंटेलिटी तो में वो ये मानते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको क्या आउटकम दिया जाएगा और तीसरा जो पार्ट है इसमें जिसको हम वैलेंस का नाम दे रहे हैं वैलेंस का मतलब हो गया उस आउटकम का जो रिज़ल्ट है जो चीज़ उन्हें दी जा रही है जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर उनको देता है फॉर दी बेटर परफॉर्मेंसेस क्या वो उससे संतुष्ट है या नहीं है या उसके लिए वो कितना वैल्यू रखता है बैलेंस का मतलब हो गया कि वो इंडिविजुअल जो है वो उस पर्टिकुलर रिटर्न को कितना वैल्यू दे रहा है उसके हिसाब से उसके कार्य करने की क्षमता को हम प्रेरित कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं एक्सपेक्टेंसी से जिसमें एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेंस है एक्सपेक्टेशंस हैं उसके एफर्ट्स से रिलेटेड उसकी परफॉर्मेंस की इट इज़ दी कॉन्फिडेंस दैट दी बेटर एफर्ट विल रिजल्ट इन दी बेटर परफॉर्मेंस इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय दी फैक्टर लाइक हैविंग अप्रोप्रिएट स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग दी जॉब एबिलिटी ऑफ राइट रिसोर्सेज एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड गेटिंग दी रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दी गोल तो एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर उसे सही प्रकार से कार्य करने के लिए रिक्वायरमेंट जो भी हैं वो फुलफ़िल करी जाएंगी तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी दूसरा इसमें इंस्ट्रोमेंटेलिटी आती है जिसमें वो ये विश्वास रखते हैं दैट इंडिविजुअल विल रिसीव एन अवार्ड फॉर दी परफॉर्मेंस ही विल बी परफॉर्मिंग दिट डिपेंड्स अपॉन दी ट्रस्टिंग दैट दी पीपल हु डिसाइड हु रिसीव वॉट आउटकम अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दी परफॉर्मेंस एंड दर रिवॉर्ड एंड फाइनली दी ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम दैट डिसाइड हु गैट वॉट आउटकम्स तो यहाँ पर जब वो कार्य करते हैं तो वो इस विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं कि उनके कार्य करने पर उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ रिजल्ट्स दिए जाएंगे कुछ आउटकम्स दिए जाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस को सही तरीके से मेजर किया जाएगा जिसके बेसिस पे उनको आउटकम्स मिलेंगे और वैलेंस इज दी इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड बाय दी इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सपेक्टेड आउटकम अब जो आउटकम आपको मिलेगा उसको आप कितना वैल्यू करते हैं वो आपको कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपके सेटिसफेक्शन को अचीव करने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा आपकी अनसेटिसफाइड नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा वो बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से अपने कर्मचारी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं विद दिस थ्योरी वो डिपेंड करेगा जो वो चीज़ उनको दे रहे हैं जिस प्रकार से उनको मोटिवेट कर रहे हैं दी आउटकम विच दे आर प्रोवाइडिंग टू देयर एम्प्लॉज फॉर दी परफॉर्मेंस विच दे आर परफॉर्मिंग विल अल्टीमेटली इफेक्ट द एक्सपेक्टेशन एंड द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल इसके आगे आती है आपकी इक्विटी थ्योरी इक्विटी थ्योरी जो है वो जे एस एडम ने दी है अगेन दी नेम ऑफ दी थ्योरी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वट टाइप ऑफ थ्योरी इट इज़ ये भी जो थ्योरी है इसमें कर्मचारी क्या कहते हैं कि उनके साथ इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए अगर इम्प्लॉयज़ के साथ इक्वालिटी के साथ ट्रीट नहीं किया जाता या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो उनको डिसैटिस्फैक्शन देता है इस तो सिद्धांत के पीछे धारण ये है कि कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के व्यवहार में न्याय संतुलन और निष्पक्षता की प्रबल उपेक्षा का अनुभव करते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनके साथ जस्टिस उनके साथ बैलेंस और फेयरनेस के साथ ट्रीटमेंट रखें अगर वो इस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट रखते हैं तो वो अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित रहते हैं ये सिद्धांत पति प्रतिदित करता है कि व्यक्तित्व कार्यस्थल पर सम्मान व्यवहार किए जाने की इच्छा से प्रेरित होता है ये जो थ्योरी है वो ये बताती है कि कोई भी कर्मचारी आपके संगठन में अगर उसके साथ सही तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो वो उसको अपने कार्य को करने के लिए मोटिवेशन देती है तो इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं जिसको कि हम अंडरस्टैंड करते हैं एक हो गया इनपुट और दूसरा हो गया आउटपुट तो इनपुट क्या है इनपुट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू दी वर्क किस तरीके से वो अपने कार्य को कर रहा है जैसे कि उसका समय उसके एफर्ट्स उसकी लॉयल्टी उसका हार्ड वर्क किस कमिटमेंट के साथ कार्य कर रहा है उसकी एबिलिटी उसकी अडेप्टबिलिटी कार्य को अडाप्ट करने की फ़्लेक्सीबिलिटी टॉलरेंस टॉलरेंस डिटर्मिनेशन एन्थूजियाजम ट्रस्ट इन मैनेजमेंट सपोर्ट फ्रॉम दी कलीग्स एंड दी स्किल्स तो ये सारे उसके इनपुट फैक्टर्स हैं जो वो लगाता है अपने किसी भी कार्य को करने के लिए जबकि आउटपुट फैक्टर्स जो हैं वो ये कंसीडर करता है इनकम पासिस दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स जो उसको मिल रहे हैं जो भी वो कार्य कर रहा है जो अपने इनपुट के साथ जो हमने बात करी अभी उससे उसको आउटकम क्या मिलता है कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है कितना टेंजिबल है और कितना इनटेंजिबल टेंजिबल जिसको कि आप टच और मेज़र कर सकते हैं इनटेंजिबल जिसको कि आप देख नहीं सकते हैं जैसे कि जॉब सिक्योरिटी मिलना एक एक नौकरी में एस्टीम मिलना अच्छी सैलरी मिलना प्रेज मिलना रिकॉग्निशन मिलना ये सारी चीज़ें उसको किस प्रकार से मिलती हैं ये उस पर बहुत हद तक उसको मोटिवेशन देता है तो इक्वालिटी में जो इंडिविजुअल है वो इसलिए बिलीव कर रहा है और वो इसको इस तीन तरीके से देखता है अगर वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा है किसी और के साथ तो इसमें अगर उसका आउटपुट और इनपुट बराबर है और सामने वाले का इनपुट और आउटपुट भी उसके बराबर है इक्वल है तो उसको ट्रीटमेंट जो मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट होगा उसको सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने जितना किया मुझे उतना मिला और सामने वाले ने भी उतना ही इनपुट दिया और उसको भी उतना ही आउटपुट मिला तो उसको ये इक्वल ट्रीटमेंट जो मिलेगा कि सामान्य रूप से सबको एक तरीके से ही रिटर्न मिल रहा है उनके इनपुट और आउटपुट को एक तरीके से ही अंडरस्टैंड uh, किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे वो सेटिस्फाइड रहते हैं जबकि नेगेटिव इनिक्वेटी कब क्रिएट होती है कि आपको आउटपुट और इनपुट में आपको कम दिया जा रहा हो और सामने वाले के आउटपुट और इनपुट में रिजल्ट जो है वो ज़्यादा जिया रहा, दिया जा रहा हो आप लोगों ने मेहनत तो बराबर की थी लेकिन आपके इनपुट से उतना आउटकम आपको नहीं मिला जितना दूसरे के इनपुट से उसको आउटपुट मिला है तो ये आपके अंदर नेगेटिव इनक्विटी की क्रिएट कर देता है भावना और इसके प्रति अगर आपको ज़्यादा मिला हो सामने वाले को कम मिला हो तो ये आपके अंदर इक्विटी तो होगी वो इनक्विटी तो है ही लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इन इक्विटी है क्योंकि आपको ज़्यादा मिला है और सामने वाले को कम मिला है तो ये दोनों ही जो सिचुएशंस हैं वो हम ये मान के चल रहे हैं जो एडम कहते हैं कि ये दोनों ही सिचुएशंस जो है नहीं होनी चाहिए ना आपको ज़्यादा मिलना चाहिए ना सामने वाले को ज़्यादा मिलना चाहिए आपके संगठन में जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर आप उनके परफॉर्मेंस को सही तरीके से वैल्यूएट करते हैं तो ज़रूरी है कि आप उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट रखें इसके बाद आती है हमारी तीसरी श्रेणी की थ्योरी जिसको हमने नी इन्फोर्समेंट थ्योरी का नाम दिया है और ये ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में मदद करती है ये जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पर बेस्ड है और इसको देने के लिए बी एफ स्किनर ने इस थ्योरी को प्रपोगेट किया है और इस अप्रोच को हम ऑपरेट कंडीशनिंग का नाम भी देते हैं ये जो थ्योरी है वो ये इस बात पे निर्धारित करती है कि आपको इसका रिजल्ट किस प्रकार से मिलेगा अगर किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है अगर कोई आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस परफॉर्मेंस का आउटकम अगर पॉजिटिव मिलता है तो आप उस कार्य को बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं और अगर आपके किसी बिहेवियर से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है आपको लगता है कि इसका आउटकम नेगेटिव है तो उस कार्य को करने से आप रुक जाते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो रिवॉर्ड से और पनिशमेंट के कारणवश रिपीट होता है और डेफ़िनेटली आपको वो बिहेवियर रिपीट करने में अच्छा लगता है जिसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया गया है जिसके लिए आपको अवॉर्ड uh, किया गया है तो ये दे लर्न फ्रॉम दी पास्ट एंड दस डेवलप दी पैटर्न ऑफ़ द बिहेवियर टू रेगुलेट द फ्यूचर कॉन्सिक्वान्सिस तो ये जो थ्योरी है वो ये मानती है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को रेगुलेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस को दें तो आप अपने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि कैसे बिहेवियर को आप रिवॉर्ड करते हैं और कैसे बिहेवियर को आप पनिश करते हैं तो ये एक मैसेज कन्वे होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आपके जो कर्मचारी हैं वो इसी प्रकार से अपने कार्य को करेंगे इसके बाद हमारी जो आखिरी श्रेणी है जिसको कि हम बिहेवियल थ्योरीज के नाम से जाते हैं इसमें हमारी दो प्रकार की थ्योरी आती हैं सबसे पहली है मैकजॉर्स की थ्योरी एक्स एंड वाई और उसके बाद है हमारी ऊँची की थ्योरी जेड तो मैगजॉर्स की एक्स और वाई थ्योरी के बारे में जानते हैं ये जो मैगजॉर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इंसान है वो दो प्रकृति के होते हैं उनको हमने अलग अलग श्रेणी में बांटा है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई और जिस प्रकार के कर्मचारी हैं उसी प्रकार से हमें उन्हें अलग अलग तरीके से मोटिवेशन देना होता है जानते हैं थ्योरी एक्स के लोगों के बारे में वो किस प्रकार के लोग होते हैं ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको कार्य करना पसंद नहीं होता ये अपने कार्य को पसंद नहीं करते हैं ये कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटना चाहते हैं और इनको कार्य जो है वो बहुत डरा के धमका के और फोर्सफुली कराना पड़ता है क्योंकि ये कार्य करने में इंटरेस्टेड कम रहते हैं इनको हर जगह पर हर स्टेज पे सुपरविजन की ज़रूरत होती है इनको देखना पड़ता है ये अपने कार्य को सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने में भी एम्बिशियस नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते तो ऐसे इंसानों को या ऐसे कर्मचारियों को हमें कुछ अलग तरीके से मोटिवेशन देना पड़ता है और इन पर वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ मोटिवेशन बहुत हद तक कार्य करता है उसके अलावा जो थ्योरी वाई के लोग होते हैं वो अपने कार्य को करने में बहुत खुश रहते हैं दे आर हैप्पी वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ये क्रिएटिव टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो अपने कार्य करने को इन्जॉय करते हैं और अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हैं ये अपने कार्य को पूरी तरीके से जिम्मेदारी मानते हैं और ये फुलफ़िल करते हैं अपने गिवन गोल्स को टारगेट्स को इनको बहुत ज़्यादा निर्देशन की ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्शंस इनको नहीं चाहिए होता है इनको कोई सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है ये सी कैन एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको पूरा करते हैं एंड दे कंसिडर वर्क एज दी नेचुरल पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दे ट्राई टू सॉल्व दी प्रॉब्लम तो ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे कर्मचारी आपके संगठन में होते हैं तो उनको आप सही प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं इजीली मोटिवेट कर सकते हैं और अपने कार्य को वो बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार रहते हैं तो ये डिफरेंस होता है इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी में उनके उनके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके संगठन में किस प्रकार के लोग ज़्यादा कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए इसके अलावा हमारे पास जो आउची की थ्योरी जेड है वो विलियम आउची ने दी है और ये कहते हैं कि कंपेरेटिव स्टडी ऑफ अमेरिकन एंड जैपनीज़ मैनेजमेंट की इन्होंने दो स्टडीज़ करी थी जिसके बेसिस पे ये तैयार करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए ताकि हम थ्योरी एक्स और वाई को मिक्स करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को और कैसे बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं तो उसके लिए उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम अपने संगठन में अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना चाहते हैं प्रेरित करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि उनके साथ हम क्या करें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें अगर हम उनके साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं चीज़ों का निर्णय जो है वो कलेक्टिव फॉर्म में करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे प्रोसेस में और अपने कार्य को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे इसके अलावा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट उनको अपॉर्चुनिटी दें उनको ऐसी फैसिलिटी दें और इनको इस तरीके की जॉब सिक्योरिटी दें कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो लंबे समय तक है तो जब वो जॉब सिक्योरिटी महसूस करते हैं तो अपने कार्य को वो और ज़्यादा प्रेरित होकर करते हैं और उनको जुड़ाव रहता है संगठन के साथ कि उनकी जो नौकरी है वो लंबे समय तक है और इनको इस इससे इस ग्रोथ मिलेगी अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो हमारी भी ग्रोथ होगी जॉब रोटेशन कराएँ ऐसे लोगों का जॉब रोटेशन में कार्यवर्तन में होने से क्या होता है कि आपका मोन मोनोटोनी नहीं रहती और आपका कार्य करने का जो आ, मनोबल है वो बना रहता है आप कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं नए नए डिफरेंट टास्क आपको करने को मिलते हैं जिनको करने में आपको अलग अलग तरीके से मजा आता है धीरे धीरे इनको प्रमोशन दें एक साथ आप इनको आ, कोई प्रमोशन नहीं दें धीरे धीरे आप इनको प्रमोट करते रहिए तो अपने काम को जब ये अचीव करते हैं और उसका रिकग्निशन मिलता है प्रमोशन के फॉर्म में तो उन्हें अच्छा लगता है और ये चीज़ उनको धीरे धीरे करके मोटिवेट बनाए रखती है केयर फॉर पर्सनल सर्कमस्टांसिस उनकी चीज़ों का ध्यान रखें व्यक्तिगत परिस्थितियों का भी आप ध्यान रखें प्रोफेशनली वो आपसे जुड़े हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों को अच्छा लगता है कि जब आप उनसे एक इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल लेवल पे जब आप उनसे जुड़े रहते हैं और उनको केवल संगठन ही नहीं पारिवारिक रूप से आप जब उनकी परेशानियों को उनके साथ जुड़ जाते हैं तो ये चीज़ भी उनको बहुत हद तक मोटिवेट करती है औपचारिक उपाय ढूंढिए आप जब उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करें तो आपके जो मेजर करने के तरीके होने चाहिए वो फॉर्मलाइज होने चाहिए बेहतर होने चाहिए और आप उनको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य दें जब वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जिम्मेदारी को फिर पूरी तरह से करने के लिए वो तैयार भी होंगे आइए बात करते हैं मुरैल की मनोबल क्या है मनोबल एक ऐसी मनोदिशा है जिसमें आप एम्प्लॉय के एटीट्यूड सेटिस्फेक्शन ओवरऑल आउटलुक की बात करते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मोटिवेशन और मरैल में दोनों में ही हम अपने कर्मचारी के कार्यस्थल पर संतुष्ट और प्रेरित करने की बात करते हैं हम कोशिश करते हैं कि दोनों लोग अपने कार्य को अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें एक मोटिवेटेड एम्प्लॉई और एक ऐसा इम्प्लॉय जिसका मोरल हाई रहता है वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है अगर हम परिभाषा की बात करें तो मोरल को डेविस ने डिफाइन किया इज़ अ मेंटल कंडीशन ऑफ ग्रुप एंड द इंडिविजुअल्स विद डिटरमाइन देयर एटीट्यूड आपका जो मुरैल है आपका जो मेंटल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड्स को डिफाइन करता है और उसी से आपकी मोरालिटी दिखाई देती है विलियम्स प्रिगल का कहना है मुरैल इज द कोऑपरेटिव एटीट्यूड और देंटल हेल्थ ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑन सम बेसिस आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उनका मेंटल स्टेटस कैसा है एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति उनका एटीट्यूड कैसा है कार्य के प्रति और एक दूसरे के प्रति उनका बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा है लेकिन चंद के हिसाब से मुरैल इज द कैपैसिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू पुल टुगेदर परसिस्टेंसली एंड कंसिस्टेंटली इन दी पर्सुट ऑफ कॉमन पर्पज एक दूसरे के साथ कार्य करना ताकि आपके कार्य का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप पूर्णता अचीव कर पाए अब हम बात करते हैं जो लोग जो कर्मचारी जिनका मुराइल संगठन में हाई रहता है वो अमूमन किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है जिन कर्मचारियों का मुराइल हाई रहता है वो टीम वर्क में बहुत अच्छे से कार्य करते हैं मिलकर जब कार्य दिया जाता है तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है एक दूसरे के साथ वो कमिटेड रहते हैं इन कन्फ्लिक्ट कम होते हैं उनके रेजोल्यूशंस जल्दी ढूंढ पाते हैं अगर कोई इमीडिएट कन्फ्लिक्ट आ भी जाता है सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मिलता है उनके साथ कार्य करने में उनसे बेहतर कम्युनिकेशन बनता है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनका मोटिवेशन लेवल भी हाई रहता है जिन एम्प्लॉयज़ का मोरल ठीक होता है हाई होता है और इसके अपोजिट जो एम्प्लॉज़ लो मोराइल वाले होते हैं उनके मन में ग्रीवियांज बहुत आते हैं उनके मन में बहुत वाद विवाद चल रहे होते हैं एबसेंट बहुत रहते हैं वो अपने कार्य से नौकरियों को जल्दी छोड़ के चले जाते हैं अपने सुपीरियर से अपने एम्प्लॉयर से वो बहुत डिसेटिस्फाइड रहते हैं वर्किंग कंडीशन उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता है इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और वो मोटिवेटेड भी कम रहते हैं इसके साथ ही आज हम अपने जो स्टेप्स हैं बिल्डिंग हाई मोरैल कैसे हम अपने कर्मचारियों के संगठन में मोरल को बढ़ा सकते हैं उसके लिए अगर हमारे यहाँ फेयर वेज एंड सैलरी पेमेंट है अगर हम इक्वली उनको वेजेस एंड सैलरी पेमेंट करते हैं जैसा कि हम जानते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम उन्हें देते हैं जॉब की अगर उनको प्रमोशन पॉलिसी साउंड है हमारे यहाँ की बढ़िया सुपरविजन उन्हें मिले चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव हो और एम्प्लॉयज़ को प्राउड फील हो अपने कार्य करने पर एम्प्लाईज़ वेलफेयर स्कीम्स आप अच्छी देते हों हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज देते होंजुकेशन फैसिलिटी देते हों चाइल्ड केयर कैंटीन इस तरीके की जब आप सुविधाएँ देते हैं तो आपके संगठन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो मुराल है वो हाई रहने में बेहतर रहता है और वर्कर्स शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग सो देट दे में परफॉर्म देअर जॉब्स बेटर अगर आप उनको पूरी तरीके से आप ट्रेनिंग देते हैं तो अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं और जब अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से करते हैं तो उन्हें एक जॉब की संतुष्टि प्राप्त होती है इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारे आज के इस व्याख्यान के स्रोत क्या हैं किन किस सोर्सेज से हमने इस व्याख्यान के कंटेंट को कवर किया है तो आपके समक्ष हैं एक स्लाइड ये है इसके बाद भी कुछ और आ, फर्दर हमने कंटेंट कवर करने के लिए कुछ और बुक्स को रेफर किया है जो हम इसमें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और आज हम ये व्याख्यान यहीं ख़त्म करते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू